भाई, तीन चीज ऐसी बताई हैं जिसके बगैर व्यक्ति अच्छे से नहीं जी सकता। कौन कौन सी? बोले सुत यानी बेटा। कोई है ऐसा संसार में जिसको बेटा नहीं चाहिए? कोई है? कोई ये कहे कि नहीं नहीं जी, हमें नहीं चाहिए बेटा, सबे चाहिए भाई। दूसरी चीज विद यानी धन। किसे नहीं चाहिए धन? कोई है संसार में जो ये कहे कि नहीं जी, हम तो त्यागी जी महाराज हैं, हमें ना चाहिए? हैं? किसे नहीं चाहिए धन? सबको चाहिए। हैं? चाहे कोई फक्कड़ बाबा हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, सबको धन चाहिए। क्यों क्यों चाहिए? अब धन चाहिए के कारण अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप आज कथा भी सुन रहे हैं तो इसमें भी धन खर्चा हुआ है। अगर धन नहीं होता, अगर आप लोग मुझे बुलाते कि कहते महाराज जी फ्री में आ जाओ, तो मैं क्या कहता? नहीं भैया, टाइम नहीं है। कोई कहता कि फ्री में आ जाओ महाराज, हमें तो वैसे ही सुना जाओ कथा बिना धन के, क्यों सुना जाए? सबे चाहिए भाई। मेरे साथ भी तो सब देखो, इतना बड़ा स्टाफ होता है, कितने लोग रहते हैं मेरे साथ, सबके परिवार हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी पत्नियां हैं, सबकी फैमिली है, किसे नहीं चाहिए धन? बिना धन के कथा नहीं, बिना धन के पूजा नहीं, बिना धन के कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं जी। आप फूल की माला लेने जाओगे जिस माली के पास, तो माली से कहो भैया फ्री दे दे सात दिन, देखे तो सही, दे दे। उसे भी चाहिए, क्योंकि उसका भी तो परिवार है, किसका नहीं है? सबको चाहिए। और सुनो, जिसका परिवार नहीं भी है ना, उसे भी चाहिए। पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो धन लगता है, हैं? कुछ भी चाहिए, एक्स वाई जेड सब में पैसा लगता है। तो सुत वित बेटा भी सबे चाहिए, धन भी सबे चाहिए, और तीसरी चीज है नारी, स्त्री। स्त्री किसे नहीं चाहिए बताओ? जाको ब्याह नहीं भयो हुए, सुनो जो बूढ़ो बड़ो है जाए, ब्याह नहीं करो काऊ ने, सगाई वारो कोई आयो नहीं, काऊ ने दांत देखे नहीं, बूढ़ो है जाए और बात कहवे लग जाओ, भाई एक सगाई ये करेगो का? अब बड़ो बूढ़ो है, अब शर्म ते केगो तो नहीं, क्या कहेगा? ना 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 ना, अब कहा, अब नहीं नहीं। लेकिन मन में तो लड्डू फूटा एक बार, एक बार तो फूटे कोई, अरे कर ही ले। पति पत्नी सबे चाहिए,